प्रेरणा और श्रद्धा, तो ये दो लोग आए हुए हैं आज हमारे साथ, जा रहे हैं जंगल सफारी घूमने। और प्रेरणा जिसे हमारा सेकंड मीटअप है, और सेकंड व्लॉग बना रहे हैं साथ में। अब जंगल सफारी जाके देखते हैं वहाँ पे कौन से जानवर देखने को मिलते हैं इस बार, क्योंकि मेरे को हो गए 2 साल के बाद मैं फिर से जा रहा हूँ वहाँ का वीडियो शूट करने। तो चलिए यहाँ से लोग जूस पीते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं हम लोग। हमारा ट्रैफिक हो गया यहाँ पे तो आज बहुत ज्यादा गंदा ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं लाइन से पूरा आज ऐसा क्या हो गया। आगे कुर्सी पास चौक में भयंकर ट्रैफिक था, चरौदा में आ गया हूँ, चरौदा में भयंकर ट्रैफिक है मेन रोड में। इतना ज़्यादा क्यों ट्रैफिक है, हो सकता है सुबह के टाइम में जा रहा हूँ इसकी वजह से लेट हो गया, इसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। आप देख रहे हैं सामने कितनी सारी गाड़ियाँ फोर व्हीलर, और ऐसे ही चक्कर में एक्सीडेंट होने का डर रहता है। ये देखिए इस प्रकार से पूरी रोडें बनी हुई, पूरी तरह से रोड नहीं बनाया गया है। अगला उधर से स्पीड से आ रहा है, गलती से अनबैलेंस हुआ तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, और ओवरटेक करने वाले भी तो कमी है ही नहीं यहाँ पे, खासकर कार वाले, क्योंकि एक कुहारी का ओवरब्रिज है, एक साइड का लाइन चालू कर दिया गया है क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। पर यहाँ पे यदि बात करूँ तो हैवी वाहन नहीं जाने दिया जा रहा है, छोटी छोटी गाड़ियों को, फोर व्हीलर हो गया, टू व्हीलर, उन गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। और ये जस्ट मेन चौक है यहाँ का कुहारी का। मैग्नेटो मार, क्योंकि कोई ज़्यादा खास भीड़ नहीं दिख रहा, नॉर्मल है। तो अभी तो हम लोग सीधा ही जा रहे हैं आरंग वाली रोड में, और ये महासमुद भी जाती है। अभी फिलहाल हम हाईवे जहाँ तक 3-4 किलोमीटर और चलेंगे, उसके बाद लेफ्ट मुड़ेंगे, तो सीधा जाएंगे तो आरंग महासमुद के लिए है, और लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे तो नया रायपुर और फिर खुत्ती मुनकांगन के लिए और जंगल सफारी के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड में लिखा भी है जंगल सफारी गार्डन, तो हम लेफ्ट साइड छोड़ चुके हैं मेन रोड को। अब आगे कहीं पे ढाबा वाबा देखते हैं, कुछ खाने वाने को मिलता है तो हमको भूख लग रही है, खाएंगे या चाय भी पियेंगे। नवा रायपुर अटल नगर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे अभी जंगल सफारी में, और यहाँ पे देखिए है पार्किंग यहाँ का। तो गाइस हमने यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी, बाइक का चार्ज है 20 रुपीज, और हमारे साथ है प्रेरणा जी, और ये क्या नाम था, श्रद्धा। क्या बात है, कैसी श्रद्धा है देखते आज तो और देखते हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल प्रेरणा मैडम जी को लग रही है भूख, तो कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग जंगल सफारी करने वाले हैं। फ्रंट गेट है यहाँ का, सब मेन गेट है, और लेफ्ट साइड में है आपका टिकट काउंटर जो कि यहाँ पे, और देख रहे हैं साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, पूरी गंदगी मचा के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो चलिए टिकट काउंटर साइड चलते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हरे भरे। 4 लोग आए हुए हैं जो कि पर पर्सन का चार्ज लगा है हमारा सफारी और जू का 150 रुपये, और यहाँ पे एसी बस अभी फिलहाल बंद है, नॉर्मल बस है, तो हम लोग को नॉर्मल बस में सफारी कराया जाएगा। मेरे को टिकट चेकिंग करवाना पड़ेगा, यहाँ से टिकट चेकिंग हुआ उसके बाद अंदर की ओर जाएंगे। ये देखिए, तो चलिए भाई अंदर चलते हैं। पे होता है टिकट स्कैन, किस चीज़ का स्कैन किया जाता है टिकट यहाँ पे, बारकोड का। अच्छा, बारकोड यहाँ पे स्कैन होता है। कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का दिख रहा है। साफ़ सफाई की बात की जाए तो भाई साफ़ सफाई का तो कोई ध्यान ज़्यादा नहीं है, और छोटे छोटे खूबसूरत से पेड़ हैं, पौधे हैं, बस ये कुछ ऐसा यहाँ का गार्डन है प्यारा सा। यह है वेटिंग रूम, यहीं से हम लोग को बस मिलेगी सफारी के लिए, और यहाँ पे हमारा चेकअप होगा टिकट, उसके बाद हमको बस में बैठाया जाएगा, उसके बाद जाएंगे हम सफारी करने थे। तो और ये यहाँ पे कुछ डिटेल उटेल नोट करेंगे भाई साहब लोग, क्योंकि टिकट को कुछ डिटेल नोट करते, उसके बाद टोकन नंबर देंगे, उसके बाद हमारी उधर बस लगी रहेगी, हम वहाँ जाके अपना बस में बैठेंगे। दो यहाँ पे टिकट टिकट हाँ बस में, हाँ ओके ओके चलें। हम लोग का भाई टिकट हो गया और बस लगी हुई है, हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने के लिए,
और लोग भी चढ़ रहे हैं भाई सफारी के लिए, चलते हैं। अरे वाह भीड़ है। आप आगे नहीं, चार सीट खाली। सर सामने बैठ रहे हो? हमारा फाइनली बस जा रही है और यहाँ पे क्या नाम है, कुबुल करना श्रद्धा प्रेरणा पीछे बैठी है, वो देखो पीछे। क्या देखने को मिलता है एनिमल्स में से, चीता क्या देखने मिलता है, क्योंकि मेरे शायद अभी एक टाइम सो गए होंगे लोग या जाग रहे होंगे। अब किस्मत की बात है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम मेरे को कुछ से चीते देखने को मिल गए थे। अब देखते हैं, हाँ इस बार देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है हका तालाब बोल सकते हैं या नौका विहार लोकेशन बोल सकते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग चल ही रहे हैं, ऐसा प्यार सा नज़ारा है यहाँ पे। देखिए कितने लोग सारे लोग आए हुए हैं जंगल सफारी करने हैं बस में। अभी यहाँ पे फिलहाल एसी बस बंद है और कितने प्यारा फूल, बिल्कुल पास से ये पूरे बालसिंघा छोटे छोटे बच्चे। बालसिंघा लग रहा है, सही लग रहा है मेरे को, देख रहे गाइस। ये देखिए नील गाय खड़ी है, उसके साथ हाथ एक छोटा सा बच्चा है और बड़ी सी गाय। वो देखिए पीछे साइड के इनका पैर छोटा होता है, आगे का बड़ा होता है। ये नील गाय टाइगर सफारी जा रहे हैं, जंगल सफारी बोल रहे हैं। आपको ऊपर भी एक ही टाइगर दिखेंगे जो आपको सोते हुए, क्योंकि अभी जो फीमेल टाइग्रेस उसको साथ में छोड़ लेगा, क्योंकि जो फीमेल टाइग्रेस वो अदर फैमिली से है और उसको हाल में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। तो जब तक दोनों टाइगर के बीच अच्छा खासा तालमेल नहीं बन जाता था, दोनों टाइगर को सुनना विकसित है। क्योंकि टाइगर एक ऐसा वन्य प्राणी है जिसे अपनी प्रजाति के दूसरे वन्य प्राणी बिल्कुल भी पसंद। गाइस ये देखिए बड़ा सा एक उल्लू है, ये देखिए उल्लू बड़ा सा, ये देखो सर घुमा रहा है, सर घुमा रहा है, देखिए सर घुमा रहे हैं। हाँ अभी हम आ चुके हैं से सफारी। सफारी का एरिया 50 एकड़ में आएगी, 20 एकड़ में। यहाँ पर भी टोटल 5 लाइन है जिसमें से 1 मैन 1 फीमेल और 3 कप से 3 बच्चे भी हैं। बट अभी यहाँ पर बच्चे जो है बहुत छोटे हैं, अभी केवल 4 से 5 महीने के हैं। यहाँ पर अभी ओपन में केवल आपको एक बब्बर से देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे और माँ को भी एक साथ प्लॉट में रखा जा रहा है। गाइस हम लोग अभी सफारी करके आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं जू साइड में। जो हम लोग आ गए हैं सफारी घूम के है ना अभी। हाँ, सफारी में कैसा लगा? सफारी यहाँ का कोई मतलब नहीं रहा। सफारी मतलब जानवर है, वहाँ पे हिरन हिरन है। हाँ। और मतलब लायन तो दिखा नहीं, वो टाइगर किसी को दिखा किसी को नहीं दिखा, सब सो रहे हैं आई थिंक।
तो जो भी है सीन यहाँ पे उतने ज्यादा जानवर नहीं है, सफारी जंगल जंगल है हाँ। तो थोड़े बहुत जानवर दिख गए। तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जू में। जू में जा रहे हैं। जू में जा रहे हैं। तो भाई चलिए चलते हैं। अभी भाई बात की जाए 2 साल पहले का तो थोड़ा ठीक ठाक था, अभी तो पूरा यहाँ का जंगल सफारी खत्म हो गया, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं दिख रहा। पहले बहुत सारे सेक्शन थे जो कि घुमाते थे, अभी आज कौन कौन से सेक्शन घुमाए? 3 सेक्शन घुमाए गए, 3 या 4 सेक्शन घुमाए, एक हिरन वाला, हाँ, एक भालू वाला, भालू वाला, एक टाइगर और एक शेर। शेर तो दिखा नहीं, हाँ, बाकी टाइगर किसी को दिखा, हाँ, भालू दिखा, हिरन दिखा, हिरन बहुत सारा दिखा, नीलगाय दिखा, नीलगाय दिखा, टाइगर तो सो रहा था बस। सो रहा था पहले जब उस टाइम में, इसके पहले 1 साल पहले 4-5 टाइगर के पास तो 2 ही टाइगर थे और कुछ नहीं। चलो अब जू में देखते हैं जू में क्या देखने को मिले। वो पिंजरे में ही रहेंगे तो हाँ, दिखी जाएंगे। और तो इधर जाएंगे, अगर ये है जंगल सफारी नया रायपुर, व्हाइट टाइगर, एशियाटिक लायन, रॉयल बंगाल टाइगर, और उसके बाद लीपर्ड है, उसके बाद हिमालयन बियर है, तो इतना सारा है। और ये किधर है? सबका डायरेक्शन इधर तो दे दिया, कहाँ है भाई? देखते हैं, चलो देखते हैं। आपको क्या मैडम? आगे चलो, आगे चलते हैं। कैसा लग रहा है सफारी का मजा? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो बाकी दिखे ना दिखे, दिखे ना दिखे, बस मजा आ रहा है। तो ये सफारी कितने बार घूम चुके हो आप रायपुर का? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम? और आप? मैं भी पहली बार आई हूँ यहाँ पे, बट मतलब ठीक है, घूम सकते हो, चिल कर सकते हो, ठीक ठाक है, एंजॉयमेंट कर सकते हो, मतलब आपके टाइम पास। हाँ, पिकनिक मनाने के लिए अच्छा है। खाने पीने की चीज यहाँ पे मना है, पर फिर भी रेड बुल का पूरा डब्बा भी खाना है, इधर आना है तो ओके ओके। तो यहाँ पे है पहला केस जो है वो है व्हाइट टाइगर का, तो व्हाइट टाइगर में हम जाते हैं अंदर, देखते हैं कहाँ है दिखता है कि नहीं दिखेगा। अभी फिलहाल तो हमको कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। सफेद बाघ बाड़ा। हाँ, सफेद बाघ बाड़ा वो उधर सो रहा है। अरे क्या बात है, यहाँ चलो दिख गया भाई सोते हुए वो। देखो तो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। हाँ, जूम करके दिखा दो, क्योंकि इधर आओगे तो नहीं दिखेगा, उधर से दिखेगा जूम करके। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे सोया हुआ है, आराम कर रहा है बंदा भी। तू बोलेगी और छोटू और जाग जाएगा। क्या बता, उसको गुस्सा आ जाता जाग जाएगा। देखो देख जाग गया वो, अगर इधर आएगा तो इसमें गिर जाएगा ना पानी पे। वो तो भी से उछाल, मतलब छलांग मार सकता है भाई, वो मार सकता है। हाँ, मार तो हम लोग को खा जाएगा। श्रद्धा 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 कपूर जी बताएंगी, क्या बताएंगी श्रद्धा कपूर जी? सबकी अलग अलग मतलब वो दिया हुआ है, जैसे सिंह हो गया, बाघ हो गया, सफेद बाघ और तेंदुआ, मतलब अलग अलग प्रजाति ये बता रहे हैं। हम सब अलग अलग, उनमें क्या डिफरेंसेस है वो बता रहे हैं। पूरा यहाँ पे विषय सूची दी गई हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्या है बताओ? एशियाटिक लायन, लायन है, लायन लायन। अब वो भी देखने को मिलता है कि नहीं देखना? ये हम लोग जंगल सफारी में देखने के लिए गए, बट ये वाला लायन नहीं मिला। हाँ, आए यहाँ पे डहाड़ रहा है भाई, पर कहाँ पे पता नहीं। ये देखो डहाड़ तो रहा है, ये देखो वो कोने में घुसा हुआ है। वो देखो छोड़, देखो मोबाइल पे दिख रहा है तो लेटा हुआ अभी सो रहा है वो। चल रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिख रहा पर वो तो लेटा हुआ है ना, उसे नहीं लगी। हाँ, वो लेटा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है वो। देखो एक अंदर है। अच्छा, आए हुए हैं जंगल सफारी घूमने। चलो होता है अभी झगड़ा, दोनों में कंफ्यूजन ये होगा कि व्हाइट टाइगर है कि बंगाल टाइगर है। देखो व्हाइट एंड ब्लैक दोनों मिक्सअप है, रॉयल बंगाल टाइगर बाघ। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कुछ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। अरे गुगली हो गई, जूम किया जाए यहाँ से। चलो नहीं भाई, वो ब्राउन ब्राउन ब्राउन, अरे उठ रहा है भाई, उठ रहा है। हाँ, वो देखो वो बोल रहे हैं मेरे कलर पे क्यों डिस्कशन कर रहे हो भाई, निकलो यहाँ से। बोल रहा है बारे में लिखी हुई है, ये किसके बारे में लिखी हुई है? जो भी है सबके बारे में लिखी हुई है, किसी को पढ़ना होगा, इन सब तो पढ़ सकते हैं। अपने आकार, वजन तथा पंजों के मुड़े होने के कारण बिल्ली प्रजाति के अन्य जानवरों की तुलना में पेड़ों में चढ़ने में कमजोर होते हैं। ये हाँ, तभी तुम लोग सीखे नहीं हो पार करना।
ऐसा छलांग लगाना, वरना अगर देखा जाए ना तो यहाँ से इन लोग आसानी से कूद के पार कर सकते हैं, लेकिन इन लोग सीखे ही नहीं है, मंद बुद्धि। ये मुर्गियों को पालते होंगे इनको खाना खिलाने के लिए। मुर्गी है कि क्या है ये? मुर्गी तो है मुर्गा है मुर्गा। कितने मोटे मोटे मुर्गे। मुर्गे नहीं है मैडम, जो भी है मुर्गे नहीं है, ये है बतख। जो भी है पानी में जो चलते हैं वो है ये। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक करके बतख हैं। वो अच्छा वहाँ पे बैठा हुआ, तीन चार मोर है, तीन चार मोर है। हाँ वो देखो, तीन मोर है एक साथ, चार मोर एक साथ, चार ये है, पांच उधर एक, वो उस साइड में छह। चार किधर दिख गए? वो तो दो ही दिख रहे मेरे को, चार इधर 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 इधर, इसमें देखना एक दो तीन चार पाँच, पाँच है वहाँ पे, पाँच है वहाँ पे। Okay. नहीं दिखा तो कैमरे में देख लो। समझ आ गया, बहुत ज्यादा जोश में है और कंटिन्यू ठीक है। एक तो कुछ खाया भी यानी मतलब ब्रेकफास्ट करा, फिर उसके बाद देखो इतना चलना पड़ रहा है। तो मैं भी क्या किया, मैं भी तो खाली ब्रेकफास्ट किया हूँ। ये लकड़ बग्घा, तो यहाँ पे लकड़ बग्घा साहब जी है कि नहीं है देखते हैं। ये देखिए सोया हुआ पेड़ के बगल में, जस्ट आपको लकड़ बग्घा। इसलिए देखो सो रहा है अभी फिलहाल के लिए। मैं इन लोगों में से फिर से झगड़े चालू हो गए, बोलते हैं सियार अलग होता है लोमड़ी अलग होता है। ये देखिए जो कहानी में पढ़ते थे तो यही पढ़ते थे हम लोग, शायद सियार कोई लोमड़ी पढ़ते थे वे। तो सब अलग अलग पका के पूरे दिख रहे हैं। ये तो भेड़िया जैसे डरावना टाइप का दिख रहा है ना, जैसे हॉरर मूवी में दिखाते हैं। हाँ तो वो जो कहानी थी ना वो कौवा और उसकी, ये वाला ब्लैक वाला। हाँ ये तो देख लिया ना अभी, देखे है ये नहीं देखे अभी। ढोल भी नहीं देखे हम लोग, ढोल उसको बजा के आएंगे। ओ, क्या है लोमड़ी? तो दिखे भाई ये लोमड़ी नहीं है, ये सियार। सियार सियार है भाई। तो देख रहे सियार साहब को अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं वहाँ पे। ये देखे अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं भाई साहब, वो देखो। हाँ उड़ गया। जैसे डॉग लोग हरकते करते उसी टाइप का कर रहे अभी फिलहाल ये। वो देखो अरे क्या बात है भाई साहब, तो उठ गए। ये देखिए ये देखो तो वैसे ही रहते ना, प्रपोज डे मनाने जा रहा है, बोलते मैं जाके अब प्रपोज करके आता हूँ उसको। नहीं, मनाने जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं डिस्कवरी चल। वो देखो क्या बात है, देखे प्रपोज डे भाई साथ में, प्रपोज डे मना रहे भाई साथ में। ये देख रहे हो प्रपोज डे पूरा, प्रपोज करके भी गए वो उमड़ी के सेक्शन में। अब यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं कि नहीं मिलती भाई लोमड़ी जी। अच्छी दिख रही है ये। हाँ छोटी सी प्यारी सी, प्यारी सी फोटो तो अच्छी दिख रही है, पर दिखना चाहिए तब पता चलेगा ना कि है कि नहीं है। दोनों में डिस्कशन चल रहा है, बातचीत हो रही है कि भाई तेरी बहन दिख ही नहीं रही है, छोटी बहन ना। मेरे पैरों पर सफेद निशान होने की वजह से मैंने सफेद मोजे पहने हैं, ऐसा आभास होता है। ऐसा देख सकते हो, यह देखो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे। अरे उन लोग को बहुत मस्ती हो रही है। ये देखिए दो गौर बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा सा और दूसरे साइड से चल के दिखाता हूँ। ये जूम है तो ये है गौर, दोनों आराम फरमा रहे हैं। मेल है फीमेल है आइडिया नहीं है, और दोनों का चेहरा एक साइड इधर है एक साइड दूसरे साइड है। मेरे लिए सांबर से जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सभी हिरण प्रजातियों में सबसे बड़ा है। ये देखो हिरण प्रजाति, हाँ तो ये हिरण है ना, हम लोग हिरण वाले सेक्शन में। हाँ सांबर हिरण देख के आए थे। ओके गाइस सांभर जिसमें किसी में सींग है और दो में सींग नहीं है, दो सांभर में, और कितने बड़े बड़े हैं देखिए सींग, देख रहे हैं कितने बड़े बड़े सींग हैं इनके। ये देखिए कितने बड़े सींग हैं इनके। तो लोग के लिए यहाँ पे गार्डन भी है, इंजॉय करने के लिए झूले हो गए हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे झूले फिसल पट्टियाँ हैं जो कि यहाँ पे। ये देखो कुछ बच्चे लोग फैमिली वालों के साथ आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं फुल। एक लील गाय, वो क्या कर रहे हैं भाई? अच्छा पानी पी के पानी निकाल रहे हैं। ये इधर भी खड़े हैं दो ठो, पापा भी पीछे लग गए हैं बोले। ये जो है ना ये ब्राउन कलर की फीमेल है और वो तो ऐसे ही तो रहते हैं सब लोग, गाय टाइप ही रहते हैं, लील गाय।
तो गाइस ये देखिए नील गाय, घोड़े के जैसे वो इनके हाँ पैर हैं, पैर भी और पूंछ, हाँ वैसे ही है, पैर ऐसे ही रहते हैं गाय के रहते हैं और पूंछ थोड़ा सा अलग टाइप का इनका। हाँ ये है पितल। इतने सारे टाइप के जानवर, किसको इंटरेस्ट है भाई जानवर में जो देखने आएगा इधर। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला बेहद खूबसूरत हिरण है। अच्छा तो ब्लैक ब्लैक में तो एक ही दिख रहा है फिलहाल के लिए। हाँ। और नहीं तो सब ब्राउन ही दिख रहे हैं। हाँ, ब्लैक एंड लाइट ब्राउन वाइट। ये देखिए इनको किसके साथ रख दिया बेचारा, अकेला अकेला नहीं फील कर रहा होगा क्या? लग तो वैसे ही रहा है। ये देखिए ब्लैक बक। हाँ। शाही साहब अभी अंदर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। वो देखिए आपको दिख रहा होगा जूमिंग करके मैंने दिखाया आपको। ये देखिए अंदर सो रहे हैं और ये ग्लास से पैक है। हिप्पो पोटेमस और यहाँ पे तीन है पानी में नहा रहे हैं अभी फिलहाल। दरियाई घोड़ा बोलते हैं ना उसको। हाँ। अरे वो देखो देखो वो आप निकला पूरा सर देखो निकाला कितना बड़ा है ना की तरह। चार है ये तो क्या? चार है, चार है भाई पानी में डूबे हुए पता ही नहीं चल रहा है। मुंह कैसा है मालूम इनका? अरे बहुत बड़ा है यार। देख रहे हाँ इनकी टांगे भी बहुत बड़ी होंगी तभी तो वो वहाँ पे रह पा रहे हैं। नहीं छोटे रहते टांगे छोटी इनकी। चले तो गाइस ये है ऊंट बिलाव का, अब यहाँ से जाके देखते हैं कि नहीं। फिलहाल ये है ऊंट बिलाव। ये देखो गायब उस पार गया, उस पार गया। वो देखो 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 वो गया वो गया वो गया। हाँ। अकेला ही लग नहीं एक और शायद नहीं नहीं अकेला है, आया इधर आया। अरे ये तो खेल रहा है, खेल रहा उठा था ना। ये देखो तो गाइस ये है ऊंट बिलाव। ये देखिए ये आया भाई एक नंबर। कहाँ गया भाई? ऊपर 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 गया क्या? चढ़ गया कहाँ गया? हाँ जमीन वापस कूद गया क्या पानी में? नहीं नहीं हिलता पानी से कूदता, ये बगल बगल में आया मतलब। हाँ तुमको ढूंढ रहे थे क्या हो गया? ये देखो देखो इस यहाँ पे टोटल दो घड़ियाल दिख रहे हैं, एक पानी के बाहर है वो बैठा हुआ है, एक पानी के अंदर है। और यहाँ पे हुआ है मछली का शिकार जो कि बगल में मछली एक पड़ी हुई है, मतलब इनका आहार मछली है। ये देखिए एक बगल में मछली पड़ी हुई है और बीच में एक घड़ियाल है, एक बाहर पर बैठे हुए हैं आराम से जंगल सफारी जू में। जंगल सफारी के जू में है भाई कछुआ और इनके लिए आहार रखा हुआ है गाजर। तो ये देखिए यहाँ पे कछुए जी अंदर आराम कर रहे हैं, दो ठो कछुआ हैं। उसके अलावा तो फिलहाल बच्चे भी हैं, वो देखो उधर वो साइड बच्चे हैं चलते हुए आपको दिखाता हूँ। ये देखो नहीं कछुआ नहीं है कुछ और ही भाई, कछुआ नहीं है, कछुआ ही है, कछुआ नहीं है, कवच है, कवच नहीं है कुछ कोई और प्रजाति है कछुआ ऐसा नहीं है। सही है लेकिन कछुआ हाँ। दो आते ना एक पानी वाला और एक ये रेत वाला। अच्छा अच्छा रेत वाला हाँ ठीक ठीक ये है ठीक, ये कछुआ ही है। ये देखो बच्चे और एक तो क्या हाँ और अंदर भी हैं, ये सब रेती में बैठा हुआ है ना अब क्योंकि वो थोड़ा सा अलग था उसका। थर्टी सेवन प्रजाति थे यहाँ पे मतलब, और जिसमें से उतना दिखाया नहीं गया था। क्यों दिखाया भी नहीं गया है और बहुत टायरिंग है। अच्छा फिश एक्वेरियम भी नहीं दिखाया तो अभी था ही नहीं, अभी बंद है पूरा, काम चल रहा है ना अभी। आगे एक आध साल में पूरा कंप्लीट होगा। ठीक ठाक था, कुछ कुछ देखने भी नहीं मिला, देखने भी नहीं मिला और मतलब बहुत ज्यादा टायरिंग है। कितना चलोगे? इससे अच्छा डिस्कवरी देखो खत्म करो घर बैठे। मैथिलगढ़ में भी थोड़ा पास पास है यहाँ पे लेकिन एकदम थोड़ा दूर दूर है, बहुत चलना पड़ रहा है। अच्छा और गाड़ी में भी चलाया तो वहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा। मैथिलगढ़ में तो जूम करके भी दिखाते हैं यहाँ पे कितना देखोगे दूर से। आप लोग को कैसे लगा भैया यहाँ का घूमने का सफारी? नहीं कुछ नहीं खाली मतलब टाइम पास मतलब बोल सकते हैं पैसा वेस्टेड। टाइगर भालू दिखा था, पैसा इन्वेस्ट हुआ, टाइगर बस दिखा और टाइगर वो भी सोते हुए
बैठा था हम लोग, आया तो उठा था। अच्छा उठ गया था, किस्मत वाले थे आप लोग। हम लोग तो सोते समय देखे थे, मतलब टाइम वेस्टेड और पैसा वेस्टेड दोनों हुआ है पूरा। कहाँ से आए थे आप लोग? पिथौरा। ओके चलिए, तो चलो चलते हैं बस में बैठते हैं भाई। हाँ यही सी। तो गाइस अभी हमने बोटिंग का टिकट ले लिया है, पर पर्सन चार्ज है 100 रुपीज़। और हमारे साथ फिर से पूरे लोग जा रहे हैं, ये लोग अब बोटिंग का मजा लेने। ये थोड़ा रिलैक्सेशन वाला सेक्शन हो गया, पर यहाँ पे ऑलरेडी आपका चल रहा है कॉपीराइट म्यूजिक सिस्टम चल रहा है। बन कराओ रिकॉर्डिंग। तो चलते हैं भाई नौका विहार करने, देखो अंदर। और ऐसे पूरा लोकेशन है। अभी हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग में, और ये है बोर्ड, यहाँ पे चालू हो चुका है, बोर्डिंग करना चालू किया है। और यहाँ पे इस प्रकार का पूरा लोकेशन है, यहाँ पे देख रहे हैं पूरा म्यूजिक चल रहा है कंटिन्यू। तो मेरे को यहाँ पे म्यूजिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ये देखिए खुद हम लोग ने जंगल सफारी में नौका विहार किया, जो कि पैसे वेस्टेज से 100 रुपीज़ कोई मतलब नहीं था, कोई खास नौका विहार नहीं था। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो गार्डन वार्डन वो घूमेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे भी कुछ कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं फिलहाल। और ये लोग कहाँ निकल गए, शायद गार्डन में जा रहे झूला झूलने के लिए, थोड़ी देर आराम करेंगे। तो चलिए चलते हैं गार्डन की ओर। कुछ झूले वूले हैं और पार्क बना हुआ है, जो कि बच्चे लोग देख रहे हैं झूले में इंजॉय कर रहे हैं, झूला उला झूल रहे हैं। और इधर भी ज़्यादा झूल रही हैं। तो गाइस कैसा लगा जंगल सफारी आप लोगों को? अच्छा था, ठीक ठाक था। मतलब टायरिंग है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम मतलब वेस्ट होता है एक तरीके से बोला जाए तो, ठीक है। बिकॉज 3 से 4 घंटे हम लोग को घूमते ही हो गए, बिकॉज 2 बजे हम लोग अंदर गए थे और अभी बज रहे 5:12, 2 बजे से 5:12, 3 घंटे। तो ये है होता है, मतलब 3 घंटे हमारे अंदर गए हैं घूमने में। आ सकते हो घूमने अगर मतलब घूमना है तो, बस एक एंजॉयमेंट के लिए। दूर दूर है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा चीजें रहती है।